नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की इस कक्षा में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, और नया चैप्टर कौन सा है? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इनसे जो भी क्वेश्चन आपके मुख्य मुख्य बनेंगे वो सारे इस सेशन में कंप्लीट करवाए जाएंगे। हालांकि आप मान लीजिए कि 13 से 14 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप श्योर परीक्षा में बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप वन से। लेकिन टाइप वन जानने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको हम बताते हैं, उनको ध्यान दीजिए। कि जैसे आप ये समझ लीजिए, पहले मैं बिल्कुल बेसिक सा एक चीज बता रहा हूं, पूरा बेसिक सा स्ट्रक्चर बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है टाइम एंड वर्क, ये पूरी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि एक किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो यकीन मानिए, देखिए, एक तो मैं तरीका सारे बताऊंगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? पहला टाइप है आपका ये। ठीक है, करने का तरीका सबसे पहले समझो कि अगर ए अगर पूरा काम 10 दिन में करता है, तो वन डे वर्क क्या होगा? एक दिन का कार्य क्या होगा? तो आप कहोगे 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10। 2 दिन का कार्य पूछा जाएगा, आप कहोगे 2/10। 3 दिन का काम पूछा जाएगा, ठीक है, 2 दिन का काम पूछा जाएगा, ठीक है, आप कहोगे 2/10। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2/10 कितना हो जाएगा? 2/10। ऐसे ही 3 दिन का पूछा जाएगा ए का, तो 3/10, ठीक है। 4 दिन का पूछा जाएगा तो 4/10, ठीक है। 10 दिन का पूछा गया, ए 10 दिन में कितना कर लेगा? तो 10/10, यानी 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1। आपने यहां से एक चीज सीखी कि पूरा काम कितना होता है? 1 होता है। अगर ए 10 दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/10। 2 दिन में कितना करेगा? 2/10। 3 दिन में कितना करेगा? 3/10। 4 दिन में कितना करेगा? 4/10। 5 दिन में 5/10। 6 दिन में 6/10। 10 दिन में 10/10। 10 में 10। 10 में 10 काम हो गया। 1 दिन में 10 में 1 काम हो गया, 10 में 2 काम हो गया, 3 दिन में 10 में 3 काम हो गया, 10 दिन में 10 में 10 हो गया, पूरा कितना? 1। एक चीज यहां पर समझ गए। तो हम ये चीज़ जानते हैं, हम हमेशा वन डे वर्क निकाल लेंगे तो चीज़ें हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे ए 1 दिन में 10 काम करते हैं, तो ए वन डे 1 दिन में कितना करेगा? 1/10। बी 1 दिन में कितना करेगा? 1/40। 1 दिन में ये 1/10 चीज़ें बनाता है, बी 1 दिन में 1/40 चीज़ें बनाता है। दोनों 1 दिन में कितनी चीज़ें बना रहे हैं? तो आप कहोगे एलसीएम लेना है, इसको जोड़ना है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 40 आ गया ना, 10 से 40 को डिवाइड करो, 10 चौक 40, 4। 40 से 40 को डिवाइड, 40 करम 40, 4 1 5, यानी कितना आ गया? 5/ कितना आ गया भाई? 5/40। तो आप 5 से इसको काट दो, कितना आ गया? 1/8। दोनों मिलकर 1 दिन में 1/8 काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? कहोगे 1 दिन में 1/8 काम है, 2 दिन में 2/8, 3 दिन में 3/8, 8 दिन में कितना? 8/8। 8 दिन में कितना? 8/8, यानी 8/8 इसको जस्ट उल्टा कर दोगे, आ जाएगा हमारा 8 दिन, 8 डेज। ठीक है, एक तो ये बेसिक तरीका था, आप वन डे वर्क निकालेंगे। आप ये जान चुके हैं कि अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन का वन डे वर्क 1/10 है, बी 40 दिन में कर रहा है, ये कर लोगे। ठीक है, अब एक तरीका और समझो। देखो, सारे तरीके हमें, हाँ, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि कौन सा रास्ता, रास्ते अगर सारे पता हैं, जैसे आपका मित्र का घर ये है, ठीक है, हमें सारे रास्ते पता हैं, एक लंबा भी पता है, एक छोटा भी पता है, इधर से भी पता है, ठीक है, कभी शॉर्ट में जाम लगा है तो हम इधर से तो निकल आएंगे, तो सारे रास्ते हमें पता होने चाहिए मंजिल तक पहुँचने के। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को, ए 10 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, ठीक है। अब यहीं पर देखो, हमको सबसे पहले दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये कैपेसिटी वाला मैं तरीका बता रहा हूँ, कि आप ये जानते हो कि जो टाइम होता है ये कैपेसिटी का क्या होता है? कैपेसिटी का इन्वर्स होता है। अब कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है
कैपेसिटी होती है क्षमता। क्या होती है? क्षमता। टाइम क्या है? समय। समय तो समय जो होता है क्षमता के क्या होता है? अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं कि ए बी का अगर 10 और 40 है, ये क्या है? टाइम है। तो आप इसका कैपेसिटी निकाल लो, कैपेसिटी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 40 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 से 10 हो गया, तो 40 से 10 हो गया ना भाई, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, कैपेसिटी 4 से 1 है। हमेशा एक फार्मूला लगाओ, कैपेसिटी इंटू टाइम। वर्क क्या होता है? देखो, हम जानते हैं ना, डब्ल्यू बराबर होता है कैपेसिटी क्षमता, क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय। अब कहोगे क्षमता इंटू समय क्या है? एक आदमी है, एक आदमी की क्षमता है, अगर उसने 10 दिन तक काम किया तो उसकी क्षमता क्या है? 10 इंटू वर्क कितना कर लेगा? 10 इंटू 1, 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, वर्क कितना करेगा? 10 करेगा। दो आदमी हैं, 10 दिन में कर रहे हैं तो 20 काम कर लेंगे। तीन आदमी हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, 3 × 30 टोटल वर्क कर लेंगे। तो वर्क बराबर क्षमता इंटू समय होता है। यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, कैपेसिटी इंटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है? कैपेसिटी इंटू टाइम। तो एक पक्ष की कैपेसिटी दूसरे पक्ष की कैपेसिटी इंटू टाइम से तुलना करना है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, थोड़ा समय इसको क्या कर रहा हूँ, हटाता हूँ। अब ये फार्मूला नोट कर लो। अब फार्मूला तुमको ध्यान रखना है, सीटी बराबर सीटी, कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर कैपेसिटी इंटू टाइम। ठीक है, चलो, ए की कैपेसिटी हमें पता है कितनी है? 4 है, और ए का टाइम पता है हमें कितना है? 10 है, बराबर। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा फार्मूला है ये। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, दोनों का समय बताओ। तो दोनों की कैपेसिटी पता है 4 × 1, 4 × 1, 5, दोनों की कैपेसिटी हमें पता है 5, और इनटू टाइम दोनों का निकल आएगा। आप इससे काटोगे, 5 × 10, 4 × 8, हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना है। देखो फिर से मैं बता देता हूं आपको, आप ये रख लोगे कि टाइम कैपेसिटी का क्या होता है? इन्वर्स होता है। करना कितना था? 10 40 है, आप कैपेसिटी बनाओगे, इन्वर्स होता है कैपेसिटी टाइम का, तो 40 10 हो जाएगा, इसको रेशियो बना लोगे 4 1। ठीक है, ये हटा दो यहाँ से। ठीक है, 4 1, 4 1 रेशियो हो गया। आप तुरंत कहोगे सीटी बराबर सीटी, हम जानते हैं सीटी। अभी देखना, ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, बहुत ये कारगर साबित होगी, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। जब क्षमता वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, एक एक सेकंड में। ठीक है, तो देखो कैपेसिटी इसकी भी रख दो, अभी हमने इसकी रखी थी, हम इसकी रख देते हैं कि बी की कैपेसिटी कितनी है? 1 है, तो बी को टाइम कितना लग रहा है? 40 लग रहा है बेटा, कितना लग रहा है? 40 बराबर। अब कैपेसिटी किसकी रख रहा है? जिसका टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का कैपेसिटी 4 1, 4 1, दोनों की कैपेसिटी जोड़ कर रख दो, 4 1, 5, 5 रख दिया, इनटू टाइम पूछा गया किसका? ए प्लस बी का पूछा गया है, ए प्लस बी का पूछा गया 45 40, यानी ए प्लस बी को टाइम कितना लग रहा है? ए प्लस बी को टाइम कितना लग रहा है बेटा? 8 दिन 8 डेज। ठीक है, आप इधर से भी निकाल सकते हो, आप इधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब जान तो ये भी तरीका क्या है, ये भी हमने तरीका बता दिया, एक वे ये भी हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जो मेन तरीका है उस पर आते हैं, मेन तरीका, फिर मेन से भी एक बेहतरीन तरीका बता देंगे, आप देखोगे आंसर आ जाएगा, देखोगे आंसर आ जाएगा। चलो, सारे चीजें, ए 10 दिन में, बी 40 दिन में, ये डेज हैं। आप क्या करोगे? एक ऐसी संख्या लोगे जो 10 से बिगड़ जाए, 40 से बिगड़ जाए। तो ऐसी अगर छोटी संख्या ले लोगे तो वो एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम ही होता ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 10 का भी गुणज हो और 40 का भी गुणज हो, मल्टीपल हो, तो वो तो एलसीएम होता है। एलसीएम भी हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम से कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हो जो 40 10 से कट सकती है। देखो 40 10 का एलसीएम कितना होता है? 40, तब भी आएगा। लेकिन फिर से देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू कितनी है? 40, यहाँ पर 40 नहीं, यहाँ पर 80 रख दो, तब भी आंसर आएगा। हमने टोटल वर्क एलसीएम माना था, ये क्या है? एलसीएम है। ये क्या है? 80, 10 और 40 से कटने वाली संख्या है कोई भी, 10 और 40 से कटने वाली संख्या है कोई भी, ये भी आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, ये भी आपका टोटल वर्क हो जाएगा, और एलसीएम जो आपने निकाला है ये भी आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। अब क्वेश्चन पढ़ना कैसे है? क्वेश्चन पढ़ना कैसे है? ये ध्यान देना है, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 40 दिन में काम कर रहा है, इनका इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया? 40, ये 40 टोटल वर्क है।
10 से 40 को बिना सोचे समझे डिवाइड कर दोगे, 10 को 40 से डिवाइड करो 10 चौक 40 चार, 40 को 40 से डिवाइड करो 40 कंडम 40। अब कैसे कर पढ़ोगे, ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, ए 4 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है। अच्छा ये है क्या, तो ये वनडे वर्क भी है, वनडे वर्क भी है, वनडे वर्क है, और यही क्या है, यही आपका कैपेसिटी है, यही आपका क्षमता है, ठीक है। ये एक की क्षमता कितनी है 4, यानी ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी 1 काम कर सकता है। अगर क्षमता आपको पता हो गई तो आप अगर क्षमता जान जाते हो तो ये भी निश्चित कर सकते हो कौन आदमी बलवान है। ए और बी में पूछा जाएगा कौन आदमी बलवान है, तो एक दिन में 1 4 चीज़ें बना रहा है, बी 1 चीज़ बना रहा है, बलवान कौन है, ये कम दिन में काम कर लेता है, ज़्यादा दिन में काम करता है, कम दिन में जो काम कर लेगा वो ताकतवर ज़्यादा होगा। तो ए 4 चीज़ें बनाता है एक दिन में, बी 1 चीज़ें बनाता है, दोनों मिलकर 4 1 5 चीज़ें बनाते हैं, कितने बनाते हैं 4 1 5 चीज़ें बनाते हैं। अगर एक दिन में 5 चीज़ें बन रही हैं, एक दिन में 5 चीज़ें बन रही हैं, टोटल चीज़ें कितनी हैं 40 है, दोनों मिलकर पूछा है ना, तो ए अगर 4 बना रहा है, बी 1 बना रहा है, दोनों मिलकर 4 1 5 चीज़ें एक दिन में बना रहे हैं, तो दोनों मिलकर 5 चीज़ें बना रहे हैं, बनानी कितनी है 40 बनानी है। आप 40 से 5 से 40 को डिवाइड कर दो, 8 कितने दिन में बन जाएंगी, 8 दिन में बन जाएंगी। आपको ये तरीका लगाना है हर हर। अब देखो ये भी आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने 80 रख दिया, यहाँ पर 80 जो कटने वाली संख्या ना वो भी रख दो, टोटल वर्क कुछ भी मान लो तब भी आंसर आ जाएगा। देखो जरा 10 8 80 40 दूना कितना हो जाएगा 80, दोनों मिलकर 8 2 10 चीज़ें बना रहे हैं, 10 चीज़ें बना रहे हैं, बनानी कितनी है 80 चीज़ें बनानी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना है 8। कुछ लोग समझ रहे होंगे कटने वाली संख्या रख सकते हैं, एलसीएम रख सकते हैं, और कुछ नहीं रख सकते, आप कुछ भी रखो तब भी आंसर आएगा। थोड़ा समझना यहाँ पर, थोड़ा समझना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपने थोड़ा समझना भी, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अगर पृष्ठभूमि आपकी तैयार हो गई तो यकीन मानिए आपका कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से तैयार है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर ले जाओगे। ए 10 दिन में 40 दिन में, हमने मान लिया टोटल 100 काम है, 40 से नहीं कट रहा है, 10 से कट रहा है 40 से नहीं कट रहा है, कोई मतलब नहीं, हमने माना पूरा काम कितना होता है 100 होता है, 10 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 10 आएगा, 40 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2/5 आएगा, आएगा प्लस कर दो 2/5, 5 × 50 दो, 5 × 50 दो कितना आ जाएगा 100/40 करोगे, हाँ 5/2 आएगा, उल्टा हो गया 5/2, ठीक है। तो 10 × 20 20 × 5 25 25/2 इसको हमने जोड़ा कितना आ गया, इसको हमने जोड़ा 25/2 आ गया, टोटल वर्क कितना था 100 था, 25 चक्को 100 और ये 4 उल्टा होके आया कितना है 8 डेज। देखो अब किसी भी तरीके से कर सकते हो, यकीन मानो आप अगर कुछ भी रख लो टोटल वर्क कुछ भी मानो यार, कटना आसान हो जाता है, कोई संख्या कट जाती है तो जल्दी से आ जाती है, नहीं कट रही है तो यहाँ पर भिन्न बन गई, आया तब भी आंसर 8 ही। तो यकीन मानो कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या होता है टोटल वर्क, कुछ भी मान लो, है ना। चलो मानते आसान इसलिए होता है, एलसीएम इसलिए आसान होता है कि छोटी सी छोटी संख्या होती है, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, आसानी से हम आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो अब सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हमको अगर जल्दी से और जल्दी निकालना हो, तो याद रखो ए बी, ए 10 दिन में, बी 40 दिन में काम करता है, पूछा ही जाए अगर ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा तो आप कैसे निकालोगे। देखो आप कहोगे 10 40 का कितने गुना है, 40 40 10 का कितने गुना है, आप कहोगे 10 चौक 40 4 गुना है, 4 में एक जोड़ो 5 से डिवाइड कर दो 5/40 आंसर कितना आ गया 8। लो इतने ही तो करना है हमें, हर क्वेश्चन में लगाओ बिल्कुल दिल खोल कर लगाओ। अभी देखो फिर से हटा देंगे, कुछ नहीं करना है, फिर से समझ लो, यही फिर से समझ लो, ए बी, ए 10 40 40 10 से कितना गुना है, 10 से डिवाइड कर दो 4 बार जाएगा, 4 में एक जोड़ दो, अपने मन से एक जोड़ो, 4 में एक जोड़ा कितना आया 5 और 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 8 आंसर। ये तो बेस्ट तरीका है ना भाई, ये तो बेस्ट तरीका। आप क्यों सीख रहे हो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ट हो रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट बन गया यकीन मानो कभी किताब नहीं छूना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखो, देखो जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 50 दिन में करता है, ए प्लस बी, अब बच्चा क्या करेगा तुरंत एलसीएम निकालेगा, तुम एलसीएम निकाल ही नहीं रहे, तुम क्या करोगे 10 50 कितना गुना है 5 गुना है, 6 से डिवाइड कर दो, 2 3 6
25 25 बटे 3 यानी कितना आ गया 8 सही 1/3 ये आंसर आ गया। अब चेक करना चाहते हो चेक कर लो, इतना ही करना है यकीन मानो इतना ही करना है। देखो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ए बी, ए 10 दिन में, बी 50 दिन में, टोटल काम एलसीएम 50, 10 से 50 को डिवाइड करना है, 10 से बेटा 50 को डिवाइड कर दो 5, 50 से 50 को डिवाइड कर दो 1, 5 1 6, 50/6, 50/6 को सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 8 सही 1/3। कुछ समझ में आ रहा है, बेहतरीन लग रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है चलो आगे। लेकिन ये तरीका हम लोग करेंगे है ना, ये भी तरीका करेंगे, ये तरीका हमें ज़्यादा सीखना है। एलसीएम लो, कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा हम लोग तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन आ रहे निकल के आ गए, चलो सारी चीज़ें फिर से समझते हैं। देखो जैसे कर रहे हैं, ए किसी काम को ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में करते हैं बेटा 15 दिन में। बार बार मैं सिखाऊंगा, हर बार बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बताऊंगा कितना करना है, और बार बार बताने से आपकी भी आदत वैसी ही बन जाई है बार बार करने की, और आपसे आंसर बार बार निकलने लगेंगे और बिल्कुल सही निकलने लगेंगे। ठीक है 15 और 20, एलसीएम 60, 15-20 का एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो आप छोटा सा ऐसे 15-20 का एलसीएम निकाल लो ऐसे, ठीक है यहाँ पर लाइन खींचो, ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन तो हमको करना ही है, छोड़ना तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी होती क्योंकि थोड़ा सा सोचो कि ऐसी संख्या यहाँ रख दो 15 से भी कट जाए 20 से भी कट जाए, तो हमने देखा सबसे छोटी संख्या 60 ही है कट रही है। अब 15 से डिवाइड कर दो 15 चौके 60, 20 से डिवाइड कर दो 60 को 20 नहीं 60। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके, क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे आके कि ए जो है एक दिन में 4 चीजें बनाता है, बी एक दिन में 3 चीजें बनाता है, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितनी चीजें बनेंगी। आप कहोगे 4 3 7 चीजें बनेंगी, बनानी कितनी है 60 चीजें। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका बेटा 60 चीजें बनानी है, दोनों एक दिन में 4 3 7 चीजें बना रहे हैं, टोटल कितना लगेगा 57 56, 8 सही 4/7 दिन। ठीक 8 सही 4/7 दिन हो गया। ठीक आगे ए बी किसी काम को 25 दिन, ए किसी काम को 20 दिन और बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, एलसीएम कितना आएगा। आप कहोगे 100 आएगा, 20 से डिवाइड कर दो 20 5 100, 25 से डिवाइड कर दो 25 6 100। ए एक दिन में 5 चीज़ें बनाता है, बी एक दिन में 4 चीज़ें बनाता है, आगे कह रहे हैं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में पहले पता करेंगे। हमको अगर एक दिन में ये पता चल जाएगा कि 5 4 9 एक दिन में 9 चीज़ें बना रहे हैं, तो 2 दिन में 18 चीज़ें बनाएंगे, 3 दिन में 27 चीज़ें बनाएंगे, ऐसे हम पता कर लेते हैं। तो 100 चीज़ें बनानी है, तो दोनों मिलकर 5 4 9 चीज़ें एक दिन में बना रहे हैं, बनानी कितनी है 100, आप 100 से 9 को डिवाइड कर दो, 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 11 सही 1/9 डेज, 11 सही 1/9 दिन में क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर चीज़ें बना लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ए बी सी किसी काम को, देखो ए बी और सी किसी काम को 12 15 और 20 दिन में करते हैं, टोटल एलसीएम निकालेंगे तीनों का। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क निकलेगा, अब टोटल वर्क निकालने के लिए तो एलसीएम निकालते हैं 12 15 20 का एलसीएम 60 फिर से आ जाएगा। आप कहोगे 60 से सब कट रही हैं, 60 आ गया, 12 से 60 को डिवाइड करो 12 5 6 60, 5 से 60 को डिवाइड करो 15 6 60, 15 से 20 23 60, यानी ए एक दिन में 5 चीज़ें बनाएगा, बी एक दिन में 4 चीज़ें बनाएगा, सी एक दिन में 3 चीज़ें बनाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 5 4 9 9 3 12, एक दिन में चीज़ें पहले देख लो, वन डे वर्क निकलता है, वन डे वर्क, वन डे में काम कितना हुआ 5 4 9 9 3 12, यानी एक दिन में 12 चीज़ें बन रही हैं, तो 60 चीज़ें 12 5 6 60, 5 दिन लगेंगे, 60 को आप क्या करोगे 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड किया कितना आ गया 5 आ गया, 5 डेज, ठीक है 12 5 6 60, 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 4 आदमी हो गए ए बी सी और डी, कितना कितना टाइम दिया है 10 12 15 20, 10 12
15, 20, तीनों से कटने वाली एक संख्या पता करो 60 है। 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चक्को 60, 20 तेई 60। सबसे पहले डिवाइड करके रख लोगे। अब जो डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा ये आपका क्या है, वन डे वर्क है, एक दिन में बन रही वस्तुओं की संख्या है। ए एक दिन में 6 चीज़ें बना लेता है, बी 5 चीज़ें बना लेता है, सी एक दिन में 4 चीज़ें बना लेता है, डी 3 चीज़ें बना लेता है, यहाँ पर कह दिया है। तो वो चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो चारों एक दिन में कितनी वस्तुएं बना पाते हैं, तो चारों 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18, ठीक है। एक दिन में 18 चीज़ें बन रही हैं, बनानी कितनी है, टोटल वर्क, एलसीएम ही होता है आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 60, 60 चीज़ें बनानी हैं, एक दिन में बन कितनी रही हैं 18, 18 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10/3, 10/3 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 3 सही 1/3 दिन, 3 सही 1/3 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन आ गए हैं। ए बी दूसरा टाइप है, ए बी किसी काम को 12-15 दिन में करते हैं, ए बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। ये लिखते ही आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, 12 से डिवाइड कर लो 12 पंजे 60, 15 से डिवाइड कर लो 15 चक्को 60। इतना करने के बाद आप अगली लाइन पढ़ने जाओगे। पहली वाली लाइन से आप देखोगे ए बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में और 15 दिन में, तो ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम 60, 12 15 का एलसीएम कितना 60। नहीं एलसीएम निकाल पा रहे हो, ऐसी संख्या रख पा रहे हो जो दोनों से कट जाए, वो यहाँ पे रख देना, ठीक है। तो हमने देखा 60 कट रही है दोनों से, 12 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, तो 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि काटना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60, 5 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एक दिन में 5 चीज़ें बना रहा है, बी एक दिन में 4 चीज़ें बना रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, ए ने काम प्रारंभ किया 5 दिनों तक काम करने के बाद, ए ने काम आरंभ किया है और ए एक दिन में 5 चीज़ें बनाता है, क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 दिनों तक काम करता है, तो 5 दिनों तक काम करेगा इंटू 5 मार दो 25। ये अकेले काम कर रहा है ना, एक दिन में 5 चीज़ें बना रहा है, 2 दिन में फिर 5 चीज़ें बनाएगा, 3 दिन में फिर 5 चीज़ें बनाएगा, तो 5 दिन में तो 5 × 5 टोटल चीज़ें कितनी बन जाएंगी, 25 चीज़ें बन जाएंगी। और 25 चीज़ें बनाने के बाद क्या कह रहे हैं, वह काम छोड़कर चला जाता है। अगर काम छोड़कर चला जाएगा तो ये 5-5 चीज़ें जो बन रही थी वो स्टॉप हो जाएंगी। अब क्या हो रहा है, तो शेष बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेंगे, शेष बचा हुआ काम टोटल कितना था 60, जिसमें 25 कौन कर गया, 25 कौन कर गया, ए 60 में 25 काम ए कर गया है, बचा कितना है, तो बचा है 35। कितना बचा है 35, ये तो चला गया ना, ये स्टॉप हो गया, अब ये नहीं बनेगा, अब स्टार्ट कौन कर देगा, बी। क्वेश्चन कह रहे हैं शेष काम को बी कितने दिन में कर रहा है, शेष काम को बी कितने दिन में कर रहा है, तो यहां पर देख रहे हैं शेष काम तो 35 बचा है, लेकिन बी एक दिन में 4-4 चीजें बनाता है। आप कहोगे 35/, अगर एक दिन में 4 चीज़ें बनाता है तो 35 चीज़ें बनानी, 35/4 कितना आ जाएगा 8 सही 3/4, 4 दिन कितना आ जाएगा 8 सही 3/4 दिन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, 12-15 से कटने वाली संख्या रखनी है, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60। अब क्वेश्चन आगे पढ़ना है। इतना करने का, उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, अब दोनों काम प्रारंभ करने, ये लाइनें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कहा जाएगा, जैसे आपको निर्देश दिए जाएंगे, उसी तरीके से आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। देखो ए एक दिन में 5 चीज़ें बनाता है, बी एक दिन में 4 चीज़ें बनाता है, इतना हमने पहली ही लाइन से पता कर लिया था। दोनों मिलकर एक दिन में, क्योंकि दोनों मिलकर काम प्रारंभ कर रहे हैं, उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, तो दोनों एक दिन में मतलब 5, 4, 9 चीज़ें बनना भी स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी बनाना स्टार्ट कर दिए, ये भी स्टार्ट कर दिए, तो अब पता चल गया कि चीज़ें एक दिन में कितनी बननी स्टार्ट हो गई, 5, 4, 9 बननी स्टार्ट हो गई। 3 दिन तक लगातार काम किया, तो एक दिन में अगर 9 बनने, 2 दिन में 18, तो 3 दिन में 27 चीज़ें बन चुकी हैं। 60 वस्तुएं बनानी थी, 27 बन चुकी हैं। कह रहे हैं 3 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो 3 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो बची पहले की चीज़ें कितनी हैं, तो आप कहोगे बची हैं 33। कितनी बची हैं 33।
अब कह रहे हैं ए चला जाएगा, तो ए चला जाएगा तो पांच पांच चीजें जो ए बना रहा था वो बनना स्टॉप हो जाएंगी। अब बची बनी बन कौन रही हैं, चार चार चीजें बन रही। कौन बना रहा है? बी। बी की क्षमता है चार चीजें एक दिन में बनाने की, ठीक है। तो कह रहे हैं शेष बचा काम बी कितने दिन में पूरा कर लेगा, बचा काम कितना है 33। बी की कैपेसिटी कितनी, एक दिन में बना कितना पा रहा है 4, तो बस आपको क्या करना है 33/4 आंसर कितना आ जाएगा 8 सही 1/4, ठीक है। दिन शेष काम कितने दिन में बनेगा, शेष काम आपका बन जाएगा 8 सही 1/4 दिन, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं, 12, 15, 20 दिन। टोटल एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 से डिवाइड कर दो 5, 15 से डिवाइड कर दो 4, 20 से डिवाइड कर दो 20 नहीं 60। इतना करने के बाद अगली लाइन पढ़ेंगे। ए ने 3 दिन तक काम किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए ने 3 दिन तक काम किया, एक दिन में 5 चीज़ें बनाता है, 3 दिन में 5 नहीं 15 चीज़ें बनाकर ए क्या हो गया, चला गया। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं बी ने 4 दिन काम किया, उसके बाद बी आया है उसके बाद, ठीक है। तो बी ने कितने दिन काम किया है भाई, 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन 4 चौक 16 चीज़ें किसने बना दी, 16 चीज़ें बी ने भी बना दी, ठीक। आगे कह रहे हैं कि बी भी चला गया, वह भी काम छोड़कर चला गया, तो 4 ये भी चीज़ें बनना बंद हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कि तो शेष बचा काम सी कितने दिन में करेगा। तो पहले देखो कितना टोटल काम था, कितना काम हो चुका है, कितना काम बचा है। तो 15, 16 कितना है 31 काम हो चुका है। देखो 15 काम कौन करके गया था, ए, फिर उसके बाद बी 16 काम करके गया, तो 15, 16 काम कितना हो गया, 31 काम हो गया है। काम था कितना पूरा 60 काम था, 60 में 31 काम हो गया। बचा कितना काम, तो आप कहोगे 29 बचा है, कितना बचा 29। अब बनाने वाला दो तो चले ही गए, बनाने वाला बचा कौन है सी। वो कह भी रहे हैं सी कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो सी एक दिन में 3 चीज़ें बनाता है, 29 चीज़ें बनानी है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 29/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 सही 2/3। कितना आ जाएगा 9 सही 9 3 27 28 29/3 9 सही 2/3% निकाल रहा हूं दिन, ठीक है। दिन डेज कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो कुछ भी कैलकुलेशन गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो नियम है वो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतरीन है। आगे ए बी सी 12, 15, 20। अच्छा 12, 15, 20 ही हमने इस वजह से लिया है क्योंकि आप अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जब हम आपकी एक्सरसाइज करवाएंगे तब आप एलसीएम निकालना सब कुछ बताएंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना है 60, 12 से डिवाइड कर दिया 12, 5, 60, 15 से डिवाइड किया 15, 4, 60, 20 से डिवाइड किया 20, 3, 60। इतना कर लिया। अब आगे लाइन पढ़ेंगे। उन तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 2 दिन काम करने के बाद, 2 दिन काम और तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया है। अगर तीनों काम प्रारंभ करेंगे तो एक दिन में कितनी चीजें बनने लगेंगी, 5, 4, 9, 3, 12, एक दिन में चीजें बनने लगेंगी 12। 2 दिन तक काम कर रहे हैं, एक दिन में 12 बन रही हैं, तो 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 12 दुना कितनी बन गई चीजें, 24 चीजें बन गई हैं। अब कह रहे हैं एक काम छोड़कर चला गया, बी सी ने 2 दिन और काम किया। अब ए जा रहा है, देखो एक काम छोड़कर चला गया तो अब 5 चीज़ें बनना बंद हो जाएंगी, छोड़कर चला गया, काट दिया हमने 5 चीज़ें जो पहले बन रही थी वो अब नहीं बनेंगी। अब कौन बनाएगा, कह रहे हैं बी सी ने 2 दिन और काम किया। बी सी भाई एक दिन में बना कितनी चीज़ें रहे हैं, तो आपको बी 4 बना रहे, सी 3 बना रहे, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चीज़ें बना रहे हैं 7 बना रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी सी ने 2 दिन काम किया, तो 7 अगर एक दिन में बना रहे हैं तो 2 दिन में 7 दुना 14 और बना लेंगे, ठीक। अगर काम भी कह देंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुल कितने दिन लगे, तो 2 दिन अभी ये हुए थे, फिर उसके बाद 2 दिन ये, ऐसे पूरा काउंट करते चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कुल काम, अच्छा इसमें पूछ लिया गया कुल काम कितने दिन में हुआ है, तो काउंट करते रहेंगे सारे दिन, है ना। 4 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है। आगे अब बी काम छोड़कर चला जाता है, अब बी भी क्या करता है, बी भी काम छोड़कर चला जाता है, बचा कौन,
सी बचा है। सी की क्षमता, एक दिन में चीज कितनी बनाता है, तीन चीजें बनाता है, ठीक है। सी पूरा काम करता है तो कुल काम करने में कितने दिन में समाप्त होता है, तो सी कितना काम करता है एक दिन में, तीन। तो टोटल काम पहले देखो कि पहले दूसरे पहले दो दिन कितना काम हुआ, 24, फिर अगले दो दिन कितना काम हुआ, 14, 24 कितना हो गया, 3, 38 जोड़ लो, 14, 24 कितना हो जाएगा, 38, मतलब 38 काम हो चुका है बेटा, 24 और 14, 38 काम हो चुका, तो 60 में 38 घटा दो, तो 60 में 38 घटाओगे बचेगा कितना, तो आप कहोगे बचेगा 22 काम बचेगा, ठीक है। तो 22 काम बच गया, 22 काम बच गया, करेगा 22 काम कौन, तीन करेगा, तीन जो सी करेगा, सी एक दिन में तीन चीजें बनाता है, तो 22/3 कितना आ जाएगा, 7/1/3 दिन। अब जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में पूरा हुआ, 7/1/3 दिन। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है, शेष काम अगर कहता शेष काम कितने दिन में होगा, शेष काम सी कितने दिन में करेगा, तो 7/1/3 दिन हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो पहले दो दिन लगे ये थे जब तीनों मिलकर काम कर रहे थे, दो दिन, ठीक, दो ये हो गए। फिर उसके बाद बी सी भी तो अगले दो दिन काम कर रहे थे, दो दो 4 और 7 में ही 4 जोड़ दो, तो 7 4 कितना हो गया, 11/1/3 दिन। कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 11/1/3 दिन। समझ में आ गया, ठीक है। सीधा आप कभी भिन्न में जैसे 7/1/3 है इसमें जोड़ना है तो आप सीधा डायरेक्ट जोड़ दोगे, 7 4 11 11/1/3 हो गया, ठीक है। चलो ये 4 हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अगला टाइप, हाँ अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ए देखो, ए 1/3 काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा पूरा काम, तो आप 3 से इसको गुणा कर दो, 3 × 30, तो ए 30 दिन में करता है, वैसा ही सवाल बना रहे हैं हम, समझे, वैसा ही सवाल बना रहे हैं। अच्छा इसको पहले पूरा बेसिक से बता दें हम आपको, ठीक है। कह रहे ए किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो एक भाग एकिक नियम लगा रहा हूं मैं, एक भाग कितने दिन में करेगा, आप कहोगे 10/1/3, 2 हो गए, तो एक नीचे वाला बटा पलट जाएगा, तो 10 × 3/1 यानी कितना आ गया, 30। तो क्या इतना बड़ा करोगे, नहीं करोगे, आपको तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट करने के लिए आप ये बस इतना ही करोगे, लिखने का मैं तरीका समझा देता हूं कि ए कितना है, 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा भाग, एक भाग कितने दिन, 3/30 दिन में करेगा, ठीक। आगे बी उसी काम का 2/5 भाग, तो यहां पर लिख लो, यहां पर ऐसे करो, बी उसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो आप 5 गुणे में जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, आप डायरेक्ट सीधा ऊपर ऊपर वाला काट दोगे, 2 × 5 = 10, 5 = 25, तो बी कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। दो दिन मिल गए, ए किसी काम को, वैसे सवाल वैसा ही हो गया, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है। आगे पूछा क्या है, दोनों मिलकर पूछा है, तुरंत एलसीएम निकाल के बैठोगे, 30 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 × 150, 30 से 150 को डिवाइड किया, 5 आया 3/15, 25 × 150, ठीक है। दोनों मिलकर पूछें तो एक एक दिन में 5 चीज़ें बनाता है, बी एक दिन में 6 चीज़ें बनाता है, दोनों मिलकर 6 5 11 चीज़ें बनाते हैं, 6 5 6 5 11 चीज़ें बनाते हैं, बनानी कितनी है, 150 चीज़ें बनानी है, 11 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, हाँ 132, चलो एक बार 11 × 11 बचा कितना, 40, 11 × 33 सही, 7/11 दिन हो गया, 13 सही 7/11 दिन, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर, अब देखो जितना हमें लिखना है वही हम लिखेंगे, अब जितना हमें लिखना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। देखो जितना हमें लिखना है, एक किसी काम का 3/2 भाग 15 दिन में, तो 3 से 15 को काट दो, 3/15
5 × 5 = 10, यानी हमें ये पता चल गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, वही क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक है, आगे आगे क्या है, अब कह रहे हैं बी उसी काम का 3/5 / 15 दिन में, तो 3 ऊपर ऊपर काट दो, 3/15, 5 × 5 = 25, यानी बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 25 पूरा कर रहे हैं। आगे सी उसी काम का 2/5 / 10 दिन में, ऊपर ऊपर वाला काट दो, 2 × 5 = 10 और 5 से फिर 5 का गुणा कर देंगे, 25 मतलब क्या हो जाएगा कि सी किसी काम को भी 25 दिन में करता है। इनका सबका एलसीएम आंख मूंछ कर एलसीएम लेना, जब भी ये चीजें मिल जाए आप एलसीएम लेके रख दो। 25 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। 10 से 50 को डिवाइड करो 5, 25 से डिवाइड करो 2, 25 से डिवाइड करो 2। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले पता कर लो एक दिन में तीनों कितना काम कर लेते हैं, एक दिन में तीनों कितना काम कर लेते हैं, तो 5 × 4 = 9 काम कर लेते हैं। ठीक, कितना कर लेते हैं, 9 काम, तीनों एक दिन में 9 काम कर लेते हैं, टोटल कितना काम करना है, 50 काम करना है, 50/9 आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 5 सही 5/9। 5 सही 5/9 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से समझो भाई, अगला क्वेश्चन फिर से समझो। देखो 1/5 एक किसी काम का 1/5 चार दिन में, तो एक तो कटेगा ही नहीं, एक चक्को चार, तो 5 × 20, तो एक कितने दिन में करता है पूरा काम, 20 दिन में। फिर इसके बाद बी आ जाएगा, देखो ऊपर ऊपर वाला काट दो, 4 × 5 = 20 / 5 = 25, बी कितने दिन में करता है, 25 दिन में। आगे बढ़ते हैं, या 1 × 10 = 10, तो 3 × 10 = 30, सी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। आगे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया एलसीएम आएगा 150, नहीं आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 तो नहीं आएगा, एलसीएम आ जाएगा 300। अब 150 देख रहे थे, 150 क्यों नहीं आया, हम क्यों समझ गए, क्योंकि 20 नहीं काट पा रहा था 150 को, अब 300 आ गया, अब काट देगा 15 × 15 = 30 = 300 / 25 = 4 / 12 = 30 = 10। ठीक, अब देखो, अब कह रहे हैं वे तीनों मिलकर, कह दिया फिर से तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 15 चीजें बना रहा है, बी एक दिन में 12 चीजें बना रहा है, सी एक दिन में 10 चीजें बना रहा है, तीनों मिलकर कितनी चीजें बना रहे हैं, बनानी कितनी है 300, तो 300 ऊपर रख दो। ठीक है, 15 × 10 = 25 / 25 × 10 = 35 / 35 = 37, 300/37 आपको सही बटे में लिखना है, तो 37 से डिवाइड करके आप लिख सकते हो, इतना ही दिन आपका आ गया। ठीक है, आप सही बटे में भी लिख सकते हो, सही बटे में लिख लो, नहीं तो 300/37 आपका करेक्ट आंसर है। आगे अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 4। ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब देखो बड़ी ध्यान से समझना भाई ये क्वेश्चन, ए बी मिलकर, जब मिलकर कह दें आप प्लस लगा दो, मिला दो, ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ए अकेला उसी काम को, ए अकेला है तो अकेला कर दो, ए अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, इतना लिख लिया, तुरंत एलसीएम निकाल लो इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 से 30 को डिवाइड कर दो, 10 × 30 = 10 × 30, 15 से डिवाइड करो, 15 × 2 = 30। अब देखो बहुत ध्यान से समझो कि ए प्लस जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 चीज़ें बनाते हैं, जब अकेला ए काम करता है तो 2 चीज़ें बनाते हैं बेटा, ए प्लस बी में ए की कितनी चीज़ें हैं, ए प्लस बी में दोनों मिलकर 3 बना रहे हैं, जिसमें ए की चीज़ें कितनी हैं, 2, तो आप 3 में 2 जहां घटाओगे, आप ए प्लस बी में माइनस बी घटाओगे तो क्या होगा, ए से कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, बी बचेगा ना, 3 में 2 घटाओगे, 3 में 2 घटाओगे बचेगा क्या बेटा, 1 बचेगा, यानी बी एक दिन में कितनी चीज़ें बना रहा है, 1, बी एक दिन में 1 चीज़ें बना रहा है तो 30 चीज़ें बनानी हैं। पूछा क्या है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो बी एक दिन में 1 चीज़ बनाता है तो 30 चीज़ें कितने दिन में बनाएगा, 30 दिन में, 30 days, 1 दिन में 1 चीज़, 2 दिन में 2 चीज़, 3 दिन में 3 चीज़, तो 30 चीज़ें कितने दिन में बनाएगा, 30 days। ठीक है, तो 30 दिन में 30 चीज़ें बना लेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी किसी काम को 25 मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है तब अकेला बी 40 दिन में करता है। अकेला बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। 25 बीस 40 का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा? 25 चक्को 100, 100 दूना 200, ठीक है। 40 पंचे कितना होता है? 200। 20 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200, सॉरी 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200, ठीक। तो अब 8 और 5 आ गया। अब कहोगे ए प्लस बी में ए निकालना है, तो ए प्लस बी में माइनस बी घटा दो, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए बचेगा। और हमसे ए ही पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे ए ही पूछ रहे हैं। देखो कह रहे हैं तो अकेला ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का एक दिन का काम हमें पता चल गया, 8 में 5 क्या कर दो? माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3। यानी ए एक दिन में कितनी चीज़ें बना रहा है? 3 चीज़ें बना रहा है। बनानी कितनी है? 200 चीज़ें बनानी है। 200/3 66 सही, 2/3 दिन, ठीक है। अब 66 से करो, 53 18 2 20 53 18 2/3 66 सही, 2/3 दिन, कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब ए बी सी तीनों कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मिलकर, ए बी सी मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ए अकेला 20 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, सी अकेला 30 दिन में, सी अकेला 30 दिन में। आगे कुछ नहीं दिया है, आगे केवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये पूछा गया है। तो आप तुरंत एलसीएम निकालोगे 10 20 30 का, ऐसी संख्या रखोगे जो सबसे कट जाए। कौन सी है? 60। 10 से डिवाइड करो, 10 छक्का 60 6, 20 से डिवाइड करो, 20 नहीं 60, 30 से डिवाइड करो, 30 दूना 60। कन्फर्म? इतनी चीजें कन्फर्म है कि नहीं? देखो अब समझना है, तीनों मिल जाते हैं तब 6 चीजें बनती हैं, और ए की उस समय कितनी चीजें हैं? 3, और सी की कितनी चीजें हैं? 2। यानी ए प्लस सी की कितनी चीजें हैं तीनों में? 5 चीजें हैं। तीनों जब काम करते हैं तो 6 चीजें बनाते हैं, ए और सी उसमें 5 चीजें बनाते हैं, 6 में 5 घटा देंगे, बचेगा कितना? 1। ये 1 कौन बना रहा है? बी बना रहा है। बचा हुआ कौन है? बी है। समझ में आ रहा है? नहीं अगर आता है तो माइनस माइनस दोनों घटा दो, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए भी घटाया सी भी घटाया, बचा क्या? बी बचा। 3 भी घटा दो, 6 में 3 गए, 3 बचा, फिर 3 में 2 घटाया 1 बचा, ऐसे कर लो। बी एक दिन में एक चीज काम बनाता, एक काम करता है, एक दिन में एक चीज बनाता है, तो 60 चीजें टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क आपका है 60, 60 चीजें बनानी है, तो 60/1 आंसर कितना आ जाएगा? 60 डेज, 60 डेज, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी सी मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मिलकर, थोड़ा सा किनारे से लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मिलकर कितना भाई? 5 दिन में काम कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ए अकेला 15 दिनों में काम करता है, बी अकेला 12 दिनों में काम करता है, तो सी अकेला पूछा है। बस तुरंत कर दो स्पीड में, 5 15 12 कैल्शियम, फिर से 60 आया, 5 से डिवाइड किया, 12 5 60, 15 6 60 और 12 5 60, यानी तीनों की 12 चीज़ें हैं। अगर ए और बी घटा देंगे, ए की 4 बी की 5, 5 4 9 इसमें घटा देंगे, तो ए की घटा देंगे बी की घटा देंगे, बचेगी किसकी? सी की। तो 12 में 9 घटा दिया बेटा, कितना आएगा? आप कहोगे 3 आएगा। ये 3 किसकी चीज़ें हैं? सी की। एक दिन में सी कितनी चीज़ें बनाता है? 3 चीज़ें बनाता है। यदि एक दिन में सी 3 चीज़ें बनाता है, पूछा क्या है? सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सी एक दिन में 3 चीज़ें बनाता है। बनानी कितनी है? टोटल वर्क कितना है? 60 है। टोटल वर्क कितना है? 60 है। 3 से 60 को डिवाइड किया, कितना जाएगा? 20 दिन, 20 दिन आ जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। आज आपने चार टाइप सीख ली है, इसी उत्साह और उमंग के साथ फिर और टाइप पूरे कंप्लीट कर लेंगे। 14 से 15 टाइप हैं, पूरे कंप्लीट करते ही हमको टाइम एंड वर्क बहुत आसान लगने लगेगा। सबसे आसान मान के चलिए इस टॉपिक को, और बहुत मज़े से पढ़ने वाले हैं। अगर एलसीएम आपको निकालना आता है तो सबसे ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।